नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने इग्नू के जनवरी 2020 सेशन में दाखिला लिया है, या वो विद्यार्थी भी जो इग्नू में प्रवेश लेना चाहते हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है। सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। इसमें हम इग्नू के सिस्टम के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर आप इंडक्शन मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, आपकी इंडक्शन मीटिंग मिस हो गई, या अभी आपको इंडक्शन मीटिंग अटेंड करना है, तो भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेंगी। साथ ही साथ जिन्होंने ऑलरेडी इंडक्शन मीटिंग अटेंड कर रखी है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सब चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएंगी, तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। इंडक्शन मीटिंग क्या होती है, क्या जरूरी है अटेंड करना, क्या बताया जाता है इसमें, ये सब प्रश्न हमारे मन में आते हैं। तो देखिए, जो इंडक्शन मीटिंग है इसका मतलब होता है परिचय समारोह, और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है इग्नू में, तो इसके बाद आपको इग्नू के बारे में बताने के लिए, सिस्टम के जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में बताने के लिए, कब आपको असाइनमेंट जमा करना है, असाइनमेंट क्या होता है, कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है ना, परीक्षा फॉर्म कब भरना होता है, ठीक है ना, री रजिस्ट्रेशन यानी कि अगले वर्ष में प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया है, कब ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, कब भरना है, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो विद्यार्थियों को पता नहीं होता, और इस मीटिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को पूरी जानकारी दी जाती है। तो हम स्टेप बाय स्लाइड के माध्यम से हर एक चीज जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और आपने इग्नू में दाखिला लिया है, या लेने वाले हैं, या ले चुके हैं, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। देर नहीं करते, चलिए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले ये है इग्नू की मेन वेबसाइट, यानी कि www.ignu.ac.in। और जब आपने दाखिला लिया होगा तो निश्चित रूप से आपने इस वेबसाइट को देखा होगा, और इस वेबसाइट के माध्यम से ही आपने ऑनलाइन प्रवेश प्राप्त किया होगा। तो जिस तरह से इग्नू की मेन वेबसाइट है, उसी तरह प्रत्येक रीजनल सेंटर की भी अपनी वेबसाइट होती है। तो आप जिस रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, आप गूगल में भी जाके लिख सकते हैं। सपोज मान लीजिए आप नोएडा रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हैं, तो आप लिखिए इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा, तो आपको इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा की वेबसाइट मिल जाएगी। तो जरूर आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट देखा करिए, क्योंकि उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो अपलोड किए जाते हैं, और आप घर बैठे वो सब इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं जो इग्नू में चल रही हैं, ठीक है। तो जब आप इग्नू में दाखिला लेते हैं, तो वो स्टेप जो होता है वो कहलाता है फ्रेश एडमिशन, है ना। और इसके बाद क्या क्या एक्टिविटी होती है डिग्री मिलने तक, जो मेन एक्टिविटी है वो होती है फ्रेश एडमिशन के बाद इंडक्शन मीटिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आपकी काउंसलिंग क्लासेस होती हैं, आपको असाइनमेंट जमा करना होता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होता है, अगले वर्ष में प्रवेश के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना होता है जब आप एग्जाम देते हैं, तो फिर आपका 45 डेज में रिजल्ट आता है, इसके बाद आपके घर आपकी मार्कशीट आती है, एक महीने के बाद, रिजल्ट के लगभग एक महीने बाद आपके घर पे मार्कशीट आती है, और जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है तो आपको डिग्री मिल जाती है। तो मेन यही प्रमुख स्टेप्स हैं जो आपको इग्नू में दाखिला लेने के बाद मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। इस पोर्टल से आप रूबरू होंगे, निश्चित रूप से आपने जब ऑनलाइन एडमिशन लिया होगा तो इस पोर्टल पे गए होंगे, रजिस्ट्रेशन किया होगा, अपने प्रोग्राम की डिटेल भरी होगी। इसके बाद आपको पता ही है इग्नू का आई कार्ड, ये इग्नू का आई कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं, आपका एडमिशन कंफर्म होता है, तो उसी यूजर आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, करना ही है, करते ही हैं, और देन उसको फिर आप क्या करेंगे, लेमिनेट करा के रख लेंगे, क्योंकि वो लंबे समय तक काम आएगा आपके, जब आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे वहां भी काम आएगा, जब आप डिग्री प्राप्त करेंगे वहां भी काम आएगा, जब आप स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर जाएंगे तो वहां भी काम करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिना इसके ना तो आप एग्जाम दे पाएंगे, ना रीजनल सेंटर विजिट कर पाएंगे, इसलिए इसको आपको लेमिनेट करा के संभाल के रखना है। इसमें आपका रोल नंबर यानी कि एनरोलमेंट नंबर होता है, आपके प्रोग्राम का नाम, आपका एड्रेस, बाकी सब डिटेल इसमें मौजूद होती हैं। अब जब आपका एडमिशन हो गया, आपने अपना आई कार्ड डाउनलोड कर लिया, तो फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका स्टडी मटेरियल, पढ़ाई कैसे करेंगे जब तक आपके पास किताबें नहीं होंगी। तो इग्नू अपने विद्यार्थियों को निःशुल्क स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराता है,
उनके घर के पते पे भेजकर, और जिन विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल का स्टेटस नहीं मिला है वो जानना चाहते हैं कैसे मिलेगा, तो इसके लिए इग्नू की वेबसाइट में बॉटम की तरफ देखिए स्टूडेंट सेक्शन है, यहाँ पे एरो का साइन बना हुआ है, तो इस जगह पे जा करके आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक नए पेज पे आप पहुंच जाएंगे और यहाँ पे सेशन वाइज डिटेल्स मौजूद हैं। तो आपका अभी अगर आपने एडमिशन लिया है जनवरी 2020 सेशन कहलाएगा, उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक नए पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है MPDD यानी मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन, और ये स्टेटस बताया जा रहा है मटेरियल डिस्पैच स्टेटस जनवरी 2020 सेशन का। यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है जो कि आपके आई कार्ड पे मौजूद होता है। आपने अगर ऑनलाइन एडमिशन लिया है तो आपको एडमिशन कन्फर्मेशन का ईमेल भी मिलता है, मैसेज भी आता है, तो वो एनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे, और इसके बाद आपका स्टेटस कुछ इस तरह से मिलेगा, आपके क्या क्या कोर्सेस हैं, क्या मीडियम है, अगर आपका मटेरियल डिस्पैच हो गया है तो बार कोड भी बताया जाएगा यानी कि स्पीड पोस्ट नंबर, और इसके बाद जो संभावित डेट है जब आपको मिलेगा ये वो होगा लॉट नंबर, और बाकी ये रिमार्क्स कहाँ से डिस्पैच हो रहा, हेडक्वार्टर से हो रहा, RC से हो रहा। तो ये इस तरह से आप अपने मटेरियल का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका स्टेटस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर इस संबंध में आपको क्या करना है, या तो आप रीजनल सेंटर पर संपर्क करिए, या ये जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे बात करिए, या ईमेल भेज करके आप क्वेरी कर सकते हैं मटेरियल के बारे में। तो देखिए अब मटेरियल के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब कई बार क्या होता है कि मान लीजिए मटेरियल में डिले है, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है इग्नू में, एक ऐप है इग्नू ई कंटेंट करके, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और यहाँ से डाउनलोड करके आप अपना जो मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ सकते हैं, और इवन किसी भी प्रोग्राम का मटेरियल आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और भी ऐप है इग्नू का, स्टूडेंट ऐप के नाम से है ये, इसको भी आप गूगल प्ले स्टोर में देख सकते हैं, तो इसको भी आप डाउनलोड करके अपना एनरोलमेंट प्रोग्राम डाल करके अपने प्रोग्राम की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देख सकते हैं, अपना ग्रेड कार्ड देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, मतलब वो सभी सुविधाएं जो इग्नू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसी के बारे में, अगर आपको किताबें नहीं मिली हैं, आप सॉफ्ट कॉपी एक्सेस करना चाहते हैं, तो इग्नू की एक वेबसाइट है ई ज्ञान कोश, देखिए यहाँ पे एरो का साइन बना हुआ है ई ज्ञान कोश, तो यहाँ पर जा करके जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इग्नू के वेबसाइट का होम पेज है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ई ज्ञान कोश का ये आपको लिंक मिलेगा, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सर्च बॉक्स, इस सर्च बॉक्स में आपको अपने कोर्स का कोड लिखना है और देन इसको सर्च कर देना है, तो जिस कोर्स का स्टडी मटेरियल आपको निकालना है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ से आप अपना स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं, और इवन इग्नू में जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं सभी का मटेरियल आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब जो आपने एडमिशन ले लिया है और आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपका एडमिशन डिटेल इग्नू की साइट पर मौजूद है कि नहीं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो हाउ टू चेक एडमिशन डिटेल्स, इसके लिए आपको स्टूडेंट सपोर्ट पे जाना होगा। ये इग्नू की वेबसाइट का बिल्कुल होम पेज का शुरू का टॉप का लिंक है, होम, अबाउट इग्नू, रजिस्टर ऑनलाइन, स्टूडेंट सपोर्ट और रीजनल नेटवर्क करके ये पूरी एक पट्टी आती है जिसमें आपको स्टूडेंट सपोर्ट पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको स्टूडेंट जोन करके मिलेगा, इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का एक लिंक मिलेगा, एक पूरा पेज खुलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ऑनलाइन एडमिशन है, इग्नू मोबाइल ऐप है जो मैं अभी आपको बता रहा था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में है, एडमिशन के बारे में है, प्रोग्राम्स के बारे में है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमें देखना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे जाना है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक नया पेज मिलेगा, इसमें आपसे आपका एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा और प्रोग्राम पूछा जाएगा। एनरोलमेंट नंबर आपका 10 डिजिट का भी हो सकता है, 9 डिजिट का भी हो सकता है। जनवरी 2020 से जो एडमिशन ऑनलाइन हुए हैं उनका जो एनरोलमेंट नंबर है 10 डिजिट का है, इसके पहले जो विद्यार्थी दाखिला लेते थे उनका 9 डिजिट का होता था, तो इसलिए आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे 9 डिजिट लिखा हुआ है, तो कुछ लोगों के लिए 9 डिजिट का भी है, कुछ लोगों के लिए 10 डिजिट का भी है। प्रोग्राम कोड की पूरी लिस्ट आएगी, आपके आई कार्ड पे लिखा हुआ है आपका क्या प्रोग्राम है, वहां से आप देख के यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, और देन ये एक वेरिफिकेशन कोड आता है उसको यहाँ पे टाइप करके सबमिट करेंगे, तो कुछ इस तरह से आपका इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आप फिल करिएगा, और फिर इस तरह से रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा। यहाँ से जो मेन चीज है जो आपको देखना है इस रजिस्ट्रेशन डिटेल के माध्यम से, वो है आपका एक तो यहाँ पे डिटेल होती है कब आपने एडमिशन लिया है, कब तक आपका प्रोग्राम वैलिड है, आपके प्रोग्राम का मीडियम क्या है, नाम, एनरोलमेंट, आपके एड्रेस से आएंगे, और फिर नीचे रजिस्ट्रेशन डिटेल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, किस किस कोर्स के लिए आप रजिस्टर्ड हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल
देख सकते हैं, क्योंकि आपको असाइनमेंट बनाना होगा उसमें भी आपको अपने कोर्सेज पता होने चाहिए, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उस समय भी आपको अपने कोर्सेज पता होना चाहिए। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन डिटेल बहुत जरूरी है, और इससे आपको पता भी तो चलता है कि आपने एक रूम में दाखिला ले रखा है और आपकी इन्फॉर्मेशन एक रूम की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पेजेस, तो देखिए आजकल जैसा कि आपको पता ही है लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्सेस की जा रही हैं। तो इग्नू का भी अपना खुद का भी पेज बना हुआ है फेसबुक पे, आप वो एक्सेस कर सकते हैं। आप अपना फेसबुक लॉगिन कीजिए और वहां पे आगे लिखिए ऑफिशियल पेज इग्नू, तो आप इग्नू का जो ऑफिशियल पेज है वहां पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती रहती है। इसी तरह से ट्विटर का पेज भी बना हुआ है twitter.com पे ऑफिशियल इग्नू करके, ट्विटर का पेज भी बना हुआ है। और साथ ही साथ इग्नू में सबसे जो अच्छी बात है, आप घर बैठे क्लासेस ले सकते हैं ज्ञान दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से। आपके यहाँ भी डीटीएच होगा और डीटीएच में जितने भी डीटीएच हैं, चाहे एयरटेल का हो, टाटा स्काई का हो, सन का हो या दूसरे जो भी प्रचलित डीटीएच हैं, सभी में ज्ञान दर्शन का चैनल आता है और इसके माध्यम से आप इग्नू की जो क्लासेस हैं घर बैठे देख सकते हैं। ज्ञान दर्शन का हर महीने का शेड्यूल रिलीज होता है जिसकी इन्फॉर्मेशन इग्नू की साइट पे या रीजनल सेंटर की साइट पे मौजूद होती है। वहां से आप देख लीजिए कि आपके जो प्रोग्राम है उसे कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो लेक्चर्स रिलीज होंगे, आप वो जाके वहां पे सुन सकते हैं। इसी तरह से FM रेडियो भी ज्ञानवाणी के नाम से इग्नू का एक चैनल है, FM रेडियो चैनल है जो कि प्रसारित होता है, और ज्ञानधारा भी वेब रेडियो है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं इग्नू में पढ़ाई को करने के लिए। इसी तरह से इग्नू का खुद का यूट्यूब चैनल है ज्ञानकोश इग्नू के नाम से, आप यूट्यूब पे जाइएगा, सर्च बॉक्स पे लिखिएगा तो बहुत सारे आपको वीडियो लेक्चर्स आपके प्रोग्राम्स के मिल जाएंगे, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे जहां से आप अपने, एक तो पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से सॉफ्ट कॉपी प्राप्त कर सकते हैं, फिर दूसरा इग्नू के बारे में अपडेट्स कहाँ से मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स कहाँ से मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूंकि आपको प्रोग्राम कंप्लीट करने के लिए अपने असाइनमेंट बना करके जमा करने होते हैं, तो असाइनमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो आपके कोर्सेज हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्नों का संग्रह होता है और वो आपको इग्नू की साइट से डाउनलोड करके घर पे अपने आंसर्स लिखने होते हैं, उन प्रश्नों के आंसर्स लिखने होते हैं और स्टडी सेंटर पर जमा करने होते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, कैसे आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको इग्नू की साइट के होम पेज पर जाना है, डाउनलोड सेक्शन पे, जो ये एरो के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, उसमें नीचे से देखिए असाइनमेंट है और उसके जस्ट नीचे क्वेश्चन पेपर भी है। तो ये क्वेश्चन पेपर बेसिकली वो है जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आते हैं, एग्जाम वाले क्वेश्चन पेपर है, यानी ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप उसको बोल सकते हैं। और असाइनमेंट है, असाइनमेंट यानी जो आपको घर पे बना करके जमा करना होता है। तो ये इस तरह से असाइनमेंट का लिंक मिलेगा। अब आप जिस प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं उस प्रोग्राम पे जाइए और देन उस पे लिंक दिए हुए हैं, क्लिक करके लेटेस्ट वाला असाइनमेंट डाउनलोड कर लीजिए। वो बेसिकली क्वेश्चन पेपर होते हैं, क्वेश्चंस लिखे होते हैं आपके कोर्स से संबंधित और उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना रखा है किस तरह से डाउनलोड करते हैं असाइनमेंट, किस तरह से असाइनमेंट बनाना चाहिए, अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो वो आप इस चैनल के माध्यम से देखिएगा। तो ये कुछ असाइनमेंट के लिंक्स हैं जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप अपने असाइनमेंट बना के जमा करते हैं तो उस असाइनमेंट में, असाइनमेंट बेसिकली क्या है, असाइनमेंट प्रश्नों के उत्तर ही तो आप लिखते हैं, तो आप इसके लिए सिंपल कॉपी यूज कर सकते हैं, रजिस्टर यूज कर सकते हैं, वो A4 साइज के पेजेस यूज कर सकते हैं और सबसे ऊपर उसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन लगानी होती है, इसके बाद क्वेश्चन पेपर की कॉपी लगानी होती है और इसके बाद आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये एक फ्रंट पेज है, ये बहुत जरूरी है, इसमें आपकी सही ढंग से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नाम, एनरोलमेंट, प्रोग्राम, कोर्स कोड, तो इस तरह से आप बना के जमा करिए। अब असाइनमेंट में बहुत सारी चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी असाइनमेंट है, क्योंकि असाइनमेंट के बिना आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें अबाउट असाइनमेंट के बारे में बताऊंगा आपको, कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, क्यों जरूरी है, तो ये सभी चीजें कहाँ से मिलेंगे, कहाँ जमा करना है, इवैल्यूएटेड असाइनमेंट आपको मिल सकते हैं क्या, और अगर आप असाइनमेंट में फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, तो ये सब चीजें इसमें हम बता देते हैं आपको जल्दी जल्दी से। तो जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि असाइनमेंट बेसिकली कलेक्शन ऑफ कलेक्टिव क्वेश्चंस होता है आपके कोर्स का। ठीक है, और इनके आंसर्स आपको लिखने होते हैं, किसकी मदद से, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाकर के जो आपके एकेडमिक काउंसलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, बुक्स की मदद ले सकते हैं, और आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से भी आप गूगल करके भी चीजों को समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं आंसर्स। ठीक है ना, फिर ये कैसे मिलेगा, तो मैंने आपको बताया कि एक तो पहले इसमें होता क्या था इग्नू में कि जब आपका स्टडी मटेरियल भेजा जाता था तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर भी भेजे जाते थे, लेकिन अभी क्या है, बहुत दिनों से अब ये डायरेक्टली विद्यार्थी को इग्नू की साइट से डाउनलोड करना पड़ता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अब ये बनाना क्यों आवश्यक है ये जानना बहुत जरूरी है,
तो जो इग्नू में इवेल्युएशन का पैटर्न है वो दो तरह से है, एक तो थ्योरी है और एक असाइनमेंट है। तो थ्योरी में आपको 70% का वेटेज मिलता है और असाइनमेंट में 30% का। तो बिना इसको कंप्लीट किए आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए ये बनाना कंपलसरी है, ठीक है ना। यानी कि जब आप थ्योरी का एग्जाम देंगे तो उसमें अगर आप जितना भी नंबर पाएंगे उसका 70% वेटेज मिलेगा, और असाइनमेंट में जितना भी आपको मार्क्स मिलेगा उसका 30% का वेटेज मिलेगा। इस तरह से 100% आपका कवर हो जाता है। तो ये एक तरह से कंपलसरी एक्टिविटी है, इसको आपको करना ही पड़ेगा, बिना इसको किए आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अब कैसे तैयार करना है इसको, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप पतला रजिस्टर A4 साइज की कोई वाइट शीट ले सकते हैं, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 से 1.5 इंच या 2 इंच की जगह छोड़ के लिखिए, जैसे जनरली आप लिखते हैं। और फ्रंट पेज पे आपको अपना नाम, प्रोग्राम का नाम, एनरोलमेंट, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें लिखना है। तो इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। फिर किसकी मदद से आप बनाएंगे, तो आपको जो किताबें मिली हैं उनको पढ़िए, उसकी मदद लीजिए, या फिर आप एकेडमिक काउंसलर्स जो आपकी क्लासेस लेते हैं उनकी मदद ले सकते हैं। एक ये सैंपल कवर पेज का है, ये सैंपल है, इस तरह से बना सकते हैं। जो नहीं कि आप एज इट इज बनाएं, आप इस इन्फॉर्मेशन यही आपके असाइनमेंट में आना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और अभी फिलहाल करंट के बारे में बता दूँ कि चूंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से इग्नू ने जो हैंड रिटन असाइनमेंट है उनको ईमेल के माध्यम से मंगाना चालू कर दिया है। तो आप अपने असाइनमेंट, चूंकि अभी आपने जो दाखिला लिया है, ज़्यादातर विद्यार्थी डिप्लोमा के होंगे, बैचलर्स के होंगे, मास्टर्स के होंगे, तो उनका तो असाइनमेंट, चूंकि उनको एग्जाम दिसंबर में देना है, कमिंग दिसंबर में, सितंबर अक्टूबर में जमा होंगे उनके असाइनमेंट। लेकिन जो सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, जो 6 महीने के प्रोग्राम हैं, जो जून में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके असाइनमेंट 30 अप्रैल तक जमा करना होता है। तो चूंकि लॉकडाउन की वजह से चीजें सभी रुकी पड़ी हैं, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है कि आप अपने हैंड रिटन असाइनमेंट को स्कैन करिए और फिर आपका जो रीजनल सेंटर के द्वारा दिया गया ईमेल आईडी है असाइनमेंट के बारे में, वहां पे भेज सकते हैं। तो ये जिन लोगों ने अभी 6 महीने के प्रोग्राम में दाखिला लिया है उनको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ये जिनके मन में ये विचार होगा कि अब 6 महीने का प्रोग्राम है, ज़्यादातर समय तो ऐसे ही निकल गया, तो क्या हमारा प्रोग्राम खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, इग्नू में हर 6 महीने में एग्जामिनेशन होते हैं। अगर किसी कारण से आप जून वाला एग्जाम अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो परेशान मत होइए। अभी दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा आप उसमें अपियर कर लीजिएगा, और दिसंबर के एग्जाम में बैठने के लिए अगर अभी आपने असाइनमेंट बना लिया तो ठीक है, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, सितंबर अक्टूबर में भी जमा होते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, हर एक प्रोग्राम का ड्यूरेशन मिनिमम और मैक्सिमम 2 श्रेणियों में होता है। जैसे बीए प्रोग्राम है, जनरली 3 साल का प्रोग्राम है, लेकिन 6 साल आपको मिलते हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए, आप आराम से अपना प्रोग्राम कंप्लीट कीजिए। बस समय से एक्टिविटी करते रहिए, समय से असाइनमेंट बनाते रहिए, एग्जाम देते रहिए, रजिस्ट्रेशन कराते रहिए जहाँ पे एप्लीकेबल है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो असाइनमेंट है कंसर्न स्टडी सेंटर पे जमा करना होता है बेसिकली, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से ईमेल के माध्यम से इसकी आप एक तरह से ऑनलाइन ही समझ लीजिए कि ऑनलाइन मंगाया जा रहा है रीजनल सेंटरों पे, ठीक है। कब जमा करना चाहिए, ज़्यादातर ये इन्फॉर्मेशन आपका जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है उस पर लिखा होता है, शेड्यूल डेट लिखी होती है कब तक जमा करना है। जो जनरल डेट होती है मैं वो बता देता हूँ आपको, कि अगर आपने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, जैसे अभी जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है वो जनवरी सेशन है, और जिनका 1 साल का प्रोग्राम है उसमें आपके मास्टर प्रोग्राम्स हैं, बैचलर प्रोग्राम्स हैं, पीजी डिप्लोमा है, तो उनको अगले सितंबर में जमा करना होता है, ठीक है, और दिसंबर में एग्जाम देना होता है। इसी तरह से जो 6 महीने वाले प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं जिन्होंने जनवरी में दाखिला लिया है, उनको मार्च अप्रैल में जमा करना होता है और जून में एग्जाम देना होता है, ठीक है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, कई बार मिस हो जाता है, तो फिर आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं। जून वाला एग्जाम नहीं दिया तो दिसंबर में दीजिए, असाइनमेंट जमा कर दिया तो ठीक है, नहीं जमा किया तो कोई बात नहीं, सितंबर अक्टूबर में जमा कर दीजिए। तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आपने पिछले जुलाई में एडमिशन दे लिया था तो जून में आपके एग्जाम होंगे, और अभी अप्रैल 30 अप्रैल तक डेट है जमा करने की, कई बार ये डेट और भी बढ़ जाती है, तो ये इसके लिए आप इग्नू की साइट को देखते रहिए, डेट्स वगैरह बढ़ती जाती हैं कई बार। और जब आप असाइनमेंट जमा कर देते हैं तो क्या आप उसको स्टडी सेंटर से ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, इवेल्युएशन के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं, और उसको आप देख सकते हैं कि आपने जो आंसर्स लिखे हैं उनमें क्या कमियां हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और एक और क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि अगर आप असाइनमेंट में
फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, उतने नंबर नहीं मिल पाए। जैसे जनरली 100 नंबर का अगर असाइनमेंट है तो 40% लाना होता है। हर प्रोग्राम में अलग अलग रूल है, कहीं पे 40% है, कहीं पे 50% है, कहीं पे 35% है। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप पास नहीं होते हैं तो फिर क्या करना है, तो फिर कोई आपको क्या करना है, परेशान नहीं होइए। फिर उसके लिए आप जो नेक्स्ट 6 महीने बाद असाइनमेंट जमा होंगे उसमें आप जमा कर दीजिए लेटेस्ट वाला असाइनमेंट। जब इसको मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी ने अप्रैल में असाइनमेंट जमा किया जून सेशन के लिए, अब वो उसमें फेल हो गए, क्लियर नहीं कर पाए, तो फिर दोबारा सितंबर अक्टूबर में जो असाइनमेंट जमा होते हैं वो वाले असाइनमेंट आप इग्नू की साइट से डाउनलोड करिए लेटेस्ट वाले, और फिर सितंबर अक्टूबर में जमा कर दीजिए। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। अब देखिए असाइनमेंट वाला पार्ट तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया, काफ़ी लंबा वीडियो भी हो गया। अब असाइनमेंट के बाद एक जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो है री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन क्या होता है? बेसिकली री रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आपके प्रोग्राम के अगले वर्ष में जाने के लिए जो एक्टिविटी होती है वो री रजिस्ट्रेशन है। ये सभी जगह लागू नहीं है, ये बैचलर प्रोग्राम्स में, मास्टर प्रोग्राम्स में लागू है। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट में कोई भी री रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अब जैसे बीए प्रोग्राम के कोई विद्यार्थी हैं, बीए का नाम अब बदल के बीएजी हो गया है, बी काम का प्रोग्राम, जो बी काम प्रोग्राम है उसका नाम बदल के बी काम जी हो गया है, इसी तरह से जो बीएससी प्रोग्राम है उसका नाम बदल के बीएससी जी हो गया है। तो इन सभी प्रोग्राम में आपको प्रथम वर्ष में रहते हुए जब आप दाखिला लेते हैं तो आपका प्रथम वर्ष होता है, तो प्रथम वर्ष में रहते हुए द्वितीय वर्ष में री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और ये जो री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है इग्नू की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन होती है, ठीक है। तो री रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, बिना री रजिस्ट्रेशन के आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, असाइनमेंट जमा नहीं कर पाएंगे। तो समय से आपको री रजिस्ट्रेशन कराते रहना है। एक बार एग्जामिनेशन देने में डिले हो जाए कोई बात नहीं, एग्जाम तो हर 6 महीने बाद हो ही रहे हैं, लेकिन एग्जाम कब देंगे, जब आपका री रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो देंगे। तो इसलिए समय से री रजिस्ट्रेशन आपको कराते रहना है। तो ये कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो मास्टर प्रोग्राम्स हैं जनरली उनका जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है 2 साल का होता है, मैक्सिमम 5 साल का होता है। बैचलर प्रोग्राम्स 3 साल के होते हैं, 6 साल मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है। डिप्लोमा ज़्यादा डिप्लोमा 1 साल के होते हैं, इसमें कुछ में 3 साल का प्रोविजन है, कुछ में 4 साल का प्रोविजन है मैक्सिमम का। सर्टिफिकेट प्रोग्राम सभी 6 महीने के होते हैं, 2 साल का मैक्सिमम समय मिलता है। तो इस अवधि में आपको प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है, ठीक है। MCA 3 साल का प्रोग्राम है, 6 साल मैक्सिमम समय मिलता है। MLIS 1 साल का प्रोग्राम है, 4 साल मिलता है। इसी तरह BLIS 1 साल का प्रोग्राम है, 4 साल मैक्सिमम समय मिलता है कंप्लीट करने के लिए। तो री रजिस्ट्रेशन किन किन प्रोग्रामों में होता है? मास्टर प्रोग्राम्स में होता है जिनका ड्यूरेशन 2 साल का है, और बैचलर प्रोग्राम जिनका ड्यूरेशन 3 साल का है, ठीक है। री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वर्ष में 2 बार होती है, जनवरी सेशन के लिए और जुलाई सेशन के लिए, ठीक है। अभी जुलाई सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, अप्रैल महीने में प्रारंभ हो जाते हैं, ऑनलाइन इसका लिंक आता है। तो एक ये शेड्यूल दिया हुआ है, लेटेस्ट शेड्यूल के लिए आप इग्नू की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ignu.ac.in, उस पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है सामान्य तौर पे उस सेशन तक चलती रहती है, मतलब जैसे जुलाई सेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो सामान्य तौर पे जुलाई तक ये प्रक्रिया चलती है, जनवरी सेशन के लिए कराना है तो जनवरी तक चलती है, लगभग 3 महीना पहले से, 3 से 4 महीना पहले से। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना होता है, इग्नू की वेबसाइट पे होम पेज पे जाइए, रजिस्टर ऑनलाइन के अंतर्गत आपको री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा 2 नंबर पे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप एक नए इंटरफेस पे पहुंच जाएंगे। ये वही है रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लेटेस्ट ये स्क्रीनशॉट है। तो ये 3 नंबर पे अब है रजिस्ट्रेशन, और इस पर क्लिक करके नए इंटरफेस पे जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपको मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट प्रोग्राम इत्यादि की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोर्सेज सेलेक्ट करने होते हैं और फीस का भुगतान करना होता है, उसी तरह से जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट के माध्यम से, ठीक है। तो मैंने आपको असाइनमेंट के बारे में बताया, फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, और अब एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। एग्जामिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, बिना इसको कंप्लीट किए आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा, तो इसके स्टेप्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और ये जो एग्जामिनेशन है ये सभी प्रोग्राम में होता है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें एग्जामिनेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन तो केवल बैचलर और मास्टर प्रोग्राम में होता है, सर्टिफिकेट में नहीं होता, डिप्लोमा में नहीं होता, पीजी डिप्लोमा में नहीं होता, मतलब मोस्टली में तो नहीं होता, एकाध रेयर केसेस हैं, एकाध ऐसे पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं जहाँ पे होता है, लेकिन मोस्टली प्रोग्रामों में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। लेकिन एग्जामिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जो सभी मास्टर बैचलर डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट पीजी सर्टिफिकेट सभी प्रोग्रामों में होता है। तो एग्जामिनेशन के लिए क्या होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन वर्ष में 2 बार होता है, कब कब, एक तो जुलाई सेशन के लिए, जनवरी सेशन के लिए, उसी तरह से एग्जामिनेशन की प्रक्रिया भी साल में 2 बार होती है, एक बार जून में एग्जाम होते हैं, एक बार दिसंबर में होते हैं। जून एग्जाम के लिए कब एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, जून एग्जाम के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं मार्च और अप्रैल में, ठीक है। इसी तरह से दिसंबर एग्जाम के लिए कब भरे जाएंगे,
दिसंबर एग्जाम के लिए सितंबर और अक्टूबर में एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। जिस समय एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं उसी समय आपको अपने असाइनमेंट भी जमा करने होते हैं और अगले वर्ष में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो ये एक एग्जामिनेशन का शेड्यूल है और लेटेस्ट शेड्यूल के लिए आप इग्नू की वेबसाइट देखा करें। ये एक टेंटेटिव शेड्यूल है जो पहले चलता था, कई बार इसमें बदलाव भी होता रहता है। तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए वही प्रक्रिया है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पे जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा चौथे नंबर पे टर्म एंड एग्जाम, इस पे क्लिक करके कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम और इनरोलमेंट नंबर देना है, जिस रीजनल सेंटर से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ एग्जाम देना चाह रहे हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे जिन लोगों ने जनवरी 2020 सेशन में दाखिला लिया है और जिनके प्रोग्राम का ड्यूरेशन एक साल का है, जैसे कि जो लोग बैचलर प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं या मास्टर प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं, अभी उनका फर्स्ट ईयर है, तो उनका एग्जाम अभी 6 महीने के अंदर नहीं होगा, उनका एग्जाम दिसंबर में होगा, ठीक है ना। यानी जनवरी में अगर आपने दाखिला ले रखा है बैचलर या मास्टर प्रोग्राम में, स्पेशली जो 1 ईयर ड्यूरेशन वाले प्रोग्राम हैं, उनका एग्जाम दिसंबर में होगा। जिन्होंने जुलाई सेशन में दाखिला ले रखा होगा, यानी जुलाई 2019 में जिन्होंने बैचलर प्रोग्राम्स में बी ए जी बीकॉम जी बी एस सी जी में दाखिला ले रखा है, उनका एग्जाम कमिंग जून में होगा। तो कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो तुरंत ही एग्जाम फॉर्म भरने लगते हैं जबकि वो एलिजिबल ही नहीं होते, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद अब आजकल चूंकि सभी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो जो आपका हॉल टिकट है, हॉल टिकट क्या है, एक प्रवेश पत्र, यानी कि जिसको दिखा करके आप अंदर एग्जाम देने के लिए जाएंगे, आप वो हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, लगभग ये 10 डेज पहले आ जाता है, यानी कि जो जून का एग्जाम होता है 1 जून से होता है तो मई के आखिरी सप्ताह में आ जाता है। इसी तरह दिसंबर में जो एग्जाम होते हैं नवंबर के आखिरी सप्ताह में उनके हॉल टिकट इग्नू की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो हॉल टिकट डाउनलोड करना होता है, आई कार्ड लेके जाना होता है, ये 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको और ऑलरेडी पहले भी वीडियो मैंने बना के बताया है। अब ओल्ड क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेंगे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आपको एक आइडिया लग जाएगी किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, फिलिंग इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू फॉल्स आएंगे, एसे आएंगे, लेटर्स आएंगे, अगर ये सब चीज़ें पहले से आपको पता चल जाए तो फिर उसकी के हिसाब से आप प्लानिंग करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग के साथ ही आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इसके कैसे डाउनलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर, तो इग्नू की साइट पे होम पेज पे जाएंगे, डाउनलोड के सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन पेपर का लिंक मिलेगा, एरो के माध्यम से बताने का मैंने प्रयास किया है। और जैसे इस पे जाएंगे तो ये सेशंस आ जाते हैं एग्जामिनेशन के, जो ओल्ड सेशंस हैं इनमें से जिस सेशन का भी आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वहां से आप निकाल लीजिएगा। आप अपने प्रोग्राम का कोड टाइप करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन पेपर निकालने के बारे में था, ऑलरेडी इसके वीडियो बने हुए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने एग्जामिनेशन दे लिया, देखिए सबसे पहले आपका एडमिशन हुआ, फिर आपने अपना आई कार्ड डाउनलोड किया, फिर इसके बाद आपने अपना स्टडी मटेरियल फाइंड आउट किया, फिर आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल भी अपना देख लिया इग्नू की साइट पे है कि नहीं है। इसके बाद मैंने आपको बताया असाइनमेंट क्या होता है, कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एग्जामिनेशन क्या होता है, कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब आपने एग्जाम भी दे लिया तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आप रिजल्ट के बारे में जानें। तो इग्नू का जो रिजल्ट है वो 45 डेज में आ जाता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो रिजल्ट देखने के लिए इग्नू की जो वेबसाइट है उसके होम पेज पे ही ये लिंक दिया हुआ है, रिजल्ट है उसके बगल में, डाउनलोड है, ये ज्ञान कोर्स है। तो यहाँ पे एरो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि रिजल्ट वाले लिंक पे जाकर के आपको क्लिक करना है। तो ये नए पेज पे आप चले जाएंगे, यहाँ पे कई तरह के रिजल्ट दिए हुए होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम के हैं, रिटर्न ग्रेड कार्ड, ओपन मैट, टर्म एंड ऑन डिमांड एग्जाम, ग्रेड कार्ड। तो इसमें टर्म एंड एग्जाम आपका कहलाता है, जो हर 6 महीने में आपका थ्योरी का एग्जाम होता है वो टर्म एंड एग्जाम यानी सत्रांत परीक्षा कहलाता है। तो आपको टर्म एंड पे जा करके जो भी आपका सेशन है उस पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट और प्रोग्राम लिख करके बताना है, तो आपका रिजल्ट वहां से दिख जाएगा। इसी तरह से ग्रेड कार्ड क्या होता है, ग्रेड कार्ड बेसिकली मार्कशीट ही है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ठीक है ना। और इग्नू में आपको जो मार्कशीट है वो हर एग्जाम के बाद नहीं मिलती, जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही आपके घर के पते पे लगभग 1 महीने बाद मार्कशीट आती है। तो जो बीच में आप एग्जाम देते हैं, फर्स्ट ईयर का देते हैं या फर्स्ट सेमेस्टर का देते हैं या आप सेकंड ईयर का एग्जाम देते हैं या थर्ड ईयर का देते हैं, यानी बीच बीच में जो एग्जाम आप दे रहे हैं उनका स्टेटस देखने के लिए आप एक तो रिजल्ट के माध्यम से देखते हैं और दूसरा ग्रेड कार्ड के माध्यम से देखते हैं। क्योंकि रिजल्ट में केवल आपका थ्योरी का रिजल्ट दिखेगा, असाइनमेंट के नंबर नहीं दिखेंगे, तो उसके लिए आपको ग्रेड कार्ड पे जाना होता है। तो ये ग्रेड कार्ड पे जा करके आप अपना एनरोलमेंट और प्रोग्राम टाइप करेंगे तो इस तरह से आपका ग्रेड कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आपके कोर्स कोड होंगे, असाइनमेंट में कितने नंबर मिले हैं, थ्योरी में कितने नंबर मिले हैं, स्टेटस ओवरऑल क्या है, कंप्लीट है कि नॉट कंप्लीट है, तो इस तरह से ग्रेड कार्ड आप अपना भी देख सकते हैं।
कब देख पाएंगे आप? जब आप एक बार एग्जाम में बैठ जाएंगे, असाइनमेंट जमा कर देंगे, उसके बाद ही आपका ग्रेड कार्ड जनरेट होता है। ठीक है, फिर ये कुछ इवेल्युएशन के संबंध में है, इसके बारे में आप देख लीजिएगा इग्नू की साइट पे जाकर के। सर्च बॉक्स में जाकर के आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करिए, या डाउनलोड सेक्शन में जाके भी प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप इग्नू के जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो देख सकते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि वीडियो लंबा हो गया है। इसके बाद री इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार विद्यार्थियों को शिकायत होती है कि हमने बहुत अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन की, बहुत सारी कापियाँ मैं भर के आया, बहुत अच्छे से मैंने आंसर्स लिखा, लेकिन इग्नू ने मेरे को फेल कर दिया, बहुत कम नंबर दिए, या जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम नंबर आए। तो अगर आपका ऐसा, आपके साथ ऐसा कभी होता है, तो इग्नू में एक प्रोविजन है री इवैल्यूएशन, यानी आप कापियों का पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी फैसिलिटी है। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उसके बाद रजिस्टर ऑनलाइन में जाकर के री इवैल्यूएशन का लिंक है, यहां से जाकर के आप ऑनलाइन अपने कापियों का री इवैल्यूएशन करा सकते हैं, और इवन आप अपने जो आंसर स्क्रिप्ट लिखी है उनकी फोटो कापी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों के लिए अलग 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 फीस है। जो आप फोटो कापी प्राप्त करेंगे अपनी कापियों की, 100 रुपीज पर पेपर है, और री इवैल्यूएशन के लिए 750 के आसपास है। तो ये 750 है पर कोर्स। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ऑलरेडी इसमें वीडियो में दिया हुआ है, और इसके पहले भी मैंने वीडियो बना करके बताया है। तो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो कवर हो गई हैं। बाकी चेंज ऑफ प्रोग्राम के बारे में है, चेंज ऑफ मीडियम के बारे में है, आपको कोई कोर्स चेंज कराना है, एड्रेस बदलना है, स्टडी सेंटर बदलना है, रीजनल सेंटर बदलना है, तो ये सब चीज़ें इग्नू में होती हैं, इग्नू के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है। इसके लिए आपको अपने रीजनल सेंटर में अप्रोच करना होता है। आप इग्नू के प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं, वैलिड है कि नहीं है, तो आप ये लिंक दिया हुआ है वहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। इग्नू के सभी प्रोग्राम मान्यता प्राप्त हैं UGC के द्वारा, और जो दूसरे निकाय हैं जो मान्यता देते हैं, चाहे वो AIU हो, UGC हो, AICT हो, NCT हो, सभी जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जो बॉडीज़ हैं, एजुकेशनल बॉडीज़ हैं, जो प्रोग्रामों की मान्यता देती हैं, उन सब के माध्यम से इग्नू के सभी प्रोग्राम्स मान्यता प्राप्त हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इग्नू में दाखिला ले रखा है तो ऐसे क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको करके आप समय से अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो बस तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, समय से असाइनमेंट बनाइए, जमा करिए, समय से एग्जाम फॉर्म भरिए, एग्जाम लीजिए, और समय से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बस यही तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका प्रोग्राम टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम के विद्यार्थी हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता, बाकी सब चीज़ें वही हैं जो बाकी प्रोग्राम्स के लिए हैं। तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया, और चूंकि समय ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबा हो गया है, तो एक चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ICT का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए आपको भी अपनी जो रीजनल सेंटर की वेबसाइट है उसको निरंतर देखते रहना है, रेगुलरली विजिट करते रहना है, मेन वेबसाइट भी आपको देखते रहना है, क्योंकि जो भी अपडेट्स हैं, चाहे वो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बारे में हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बारे में हो, असाइनमेंट जमा करने के बारे में हो, जितने भी अपडेट्स हैं वो वेबसाइट के माध्यम से आते हैं। तो अगर आप घर बैठे अपडेट रहना चाहते हैं तो इन वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहिए, तभी आप अपना प्रोग्राम समय से पूरा कर पाएंगे। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन चूंकि इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में भी बताई हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, हौसला बढ़ाइए, और कमेंट के माध्यम से भी कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इग्नू से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।